जांजगीर चंपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में आज केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाए जाए 3 काले बिल को वापस लेने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पामगढ़ ब्लॉक के सतनाम भवन के सामने आयोजित किया गया। पूरा कार्यक्रम पामगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष नवल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश और जिले के वरिष्ठ कांग्रेस उपस्थित रहे और इसके साथ ही सबने अपनी बात कही और सभी ने केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। इसके साथ ही जिले और प्रदेश के कई किसान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पामगढ़ पुलिस भी सक्रिय रही। कांग्रेस पार्टी ही चरणबद्ध आंदोलन सड़क से सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी और आप लोग साथ में रहेंगे। सादर धन्यवाद करते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज पामगढ़ ब्लॉक में हमारे ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश में किसानों के जो आंदोलन है उसमें हम सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारी आज एक जगह एकत्रित होकर किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई अपने खून पसीना एक कर कर एक एक बीज इकट्ठा करके हम सभी अपने खुद का कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, कृषि बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा। एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोरे भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र को इस जो काले कानून है उसको क्यों रद्द नहीं कर रही है? ऐसा ऐसी क्या स्थिति है? पूंजीपति और उद्योगपति ये इन पता नहीं इनसे क्यों दबी हुई है सरकार। और हम इस तीनों जो काले कानून है इसका विरोध करते हैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हम किसान के साथ हैं। और ये जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते किसान जब तक आंदोलित है हम उनके साथ हैं। इसी बात को लेकर आज धरना और प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रजातांत्रिक पार्टी है और जनता के हित को लेकर ही कार्य करती है। यदि जनता चाहती है, किसान चाहते हैं कि ये काले कानून रद्द हो तो हमारी पार्टी का ऊपर में जैसा दिशा निर्देश होगा हम उसके साथ हैं। लेकिन व्यक्तिगत राय मैं कहती हूँ कि मैं तो किसानों के साथ हूँ और हमारी पार्टी किसान के साथ है। यदि पार्टी हमको अगला जो आदेश देती है जैसा निर्देश देती है उसके अनुसार कार्य करेंगे और किसानों के हक में ये काले कानून रद्द होने ही चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगी कि जो ये तीनों काले कानून हैं उसमें सिर्फ किसान प्रभावित नहीं हो रहा है, उससे हाँ आम जनता प्रभावित हो रही है, आप भी प्रभावित हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ। यदि पूंजीपति वर्ग के लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए करवाते हैं खेती तो ये मजदूर ख़त्म हो जाएंगे, सीधे सीधे उनके पास पैसा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो मशीनों के जरिए कार्य करेंगे तो इतने हमारे मजदूर कहाँ जाएंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यदि कोई किसान अपनी फसल को देता है तो उसके बाद उसके पास अन्न की अन्न का संकट आ जाएगा और जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके पास भी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और अन्न के लिए उनको भी मुंह ताकना पड़ेगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे वो बिहार की स्थिति हो, बिहार में भी ये फार्मूला अपनाया गया था परंतु आज वो सक्सेस नहीं हुआ और वहाँ के किसान आज भी दिल्ली और पंजाब अपना फसल बेचने जाते हैं। उसी प्रकार विदेशों में अमेरिका और यूरोप में भी ये लागू किया गया था परंतु आज वहाँ के किसानों की स्थिति बदतर है। और ये जो किसान हैं वहाँ की सरकार के सब्सिडी पे चल रही है तो जो गलत मॉडल है
और जो देश को विनाश की ओर ले जाता है, ऐसे मॉडल को पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों यहाँ भारत देश में लागू करना चाहते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। आज पामगढ़ में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जो भारत के किसान हैं, दिल्ली में विगत 2.5 माह से ये आंदोलन कर रहे हैं, और जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून पास की है, उससे सीधे सीधे किसानों के हक पर कुठाराघात हो रहा है, और किसान इस बात को लेकर आंदोलित हैं। और 2.5 महीने में 100 से भी अधिक किसानों ने लगभग उनकी शहीद हो गए हैं, और उसके बाद भी ये केंद्र की सरकार जो है पता नहीं पूंजीपतियों उद्योगपतियों के अधीन क्यों है, और क्यों किसानों के इस दुख और दर्द में शामिल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। आज भारतवर्ष में पूरा विपक्ष इस बात को किसानों के जो विरोध में जो काले कानून हैं उनके साथ में है, और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि ये जो काले कानून है उसको रद्द किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। जो कांग्रेस की सरकार पहले रही है, या हम आज़ादी के बाद की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, ये बांध बनाकर किसानों को राहत दिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि यदि देश में विकास होना है, देश में खुशहाली लाना है, तो वहाँ का किसान स्वावलंबी होना चाहिए, समृद्धशाली होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी कहा करते थे। तो शास्त्री जी भी देख लीजिए आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा दिए, और इंदिरा जी हरित क्रांति लाईं, और राजीव गांधी जी ने भी किसानों के हक में कार्य किया, और कांग्रेस पार्टी भी किसानों के हक में ही कार्य करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि किसान देश के अन्नदाता हैं, और किसानों की बदौलत ही जो प्रजा है वो सुखी है। तो किसानों के हक में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदा है, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, परंतु पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहा है। और आज जो ये 3 काले कानून हैं, मंडी का एक तरह से निजीकरण कर दिया गया, जब